से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ पधारकर युवक की अवधारणा से हम सबको परिचित करवाएं। परिचय की औपचारिकता को मैं छोड़ते हुए विमर्श, यह जो विवेकानंद केंद्र का कार्यक्रम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से प्रारंभ होकर के अब आज सारे देश की अन्य शाखाओं में भी धीरे धीरे रूढ़ होता जा रहा है, उसके बारे में कुछ उसके उद्देश्यों के बारे में आपके साथ बांटना चाहूंगा। पूरे देश में इस प्रकार का विचार मनीषियों के मन में चलता रहा कि मौलिक विचार और मौलिक चिंतन की प्रक्रिया को सामूहिक स्वरूप देना किसी भी समाज को जीवंत रखने की आवश्यकता है। सामूहिकता की तो बात छोड़िए, जब हम नई पीढ़ी के साथ बातचीत करते हैं और आज की युवा पीढ़ी के साथ चर्चा करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी चिंतन की गहराई बहुत उतनी होती हुई जा रही है। समय जब होता है उस खाली समय के समय हमारा युवा क्या सोचता है। स्वामी विवेकानंद का कथन हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था मुझे बता दो कि किस देश का युवा कौन से गीत गुनगुनाता है और मैं बता दूंगा कि उस देश का भविष्य क्या है। कौन से गीत हमारा युवा गुनगुनाता है, किन भावनाओं से उसका हृदय भरा है, किन विचारों से उसका मस्तिष्क प्लावित है, इस बात पर यदि हम विचार करते तो बड़ी दुखद बात हमको दिखाई देती है कि बड़ा उथला विचार। चार युवा साथ में बैठे होंगे तो मोबाइल के टॉक टाइम के बारे में चर्चा करेंगे, क्रिकेट के मैच के बारे में चर्चा करेंगे या मूवीज फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे अधिक गहरी बात 5 मिनट तक 10 मिनट तक करना भी कठिन हो जाता है। जब विवेकानंद केंद्र युवाओं के शिविर करता है और पूरे दिन भर एक विचार प्रणाली में युवाओं को रखता है तो उनको अपने अंदर कुछ परिवर्तन हुआ सा महसूस होता है। 4 घंटे के एक दिवसीय शिविर में आकर के वो सोचते हैं कि अरे मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो गया। बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि 4 घंटे बाकी सारे व्यर्थ के विषयों को छोड़ करके किसी एक गहन गंभीर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर विचार करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता चाहते हैं, विचार करना नहीं चाहते। इसलिए जब ये व्यक्तिगत स्तर पर इतनी बड़ी विभीषिका बन सकता है और इस कारण से आज निर्णय के लिए विकल्प भले ही बढ़ गए हो लेकिन जीवन में प्राप्त करने के संकल्प घटते जा रहे हैं, इसके बढ़ते विकल्प घटते संकल्प, ये युवा के आज की दुविधा है। इसलिए विवेकानंद केंद्र ने सोचा, जो कि माननीय एकनाथ जी रानड़े का विवेकानंद केंद्र के प्रारंभ करते समय का एक लक्ष्य था, इसको एक वैचारिक आंदोलन का रूप मिले और उस वैचारिक आंदोलन का रूप मिलने के लिए साथ में बैठे, साथ में आए और साथ में आकर के चिंतन करें, गहन गंभीर राष्ट्र के सामने जो प्रश्न है उस पर विचार करें। और इसके लिए यह विमर्श की मासिक संगोष्ठी की श्रृंखला विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल के माध्यम से दिल्ली में प्रारंभ हुई और फिर धीरे धीरे उसको हमने बाकी स्थानों पर भी शुरू किया। ग्वालियर में यह तीसरा आयोजन है, जिस तीसरे आयोजन में विमर्श की तीसरी कड़ी में हम यहां पर एकत्रित है। इच्छा यह है कि 3-4 महीने में एक बार ऐसा कोई बृहद आयोजन हो जिसमें कोई विद्वान अतिथि वक्ता हमारे साथ हमारे विचारों को चालना और प्रेरणा देने के लिए यहां पर आए और फिर वो एक तरफा नहीं होगा, उनके बोलने के बाद प्रश्न पूछने के लिए अपना विचार रखने के लिए अवसर भी सबको मिलेगा। जो आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आज के विचार को हम सुने, उसके अंदर अच्छे से गहराई से उतरे, उसके बाद उनसे चर्चा भी करें और उसके पश्चात अगले महीने से नियमित रूप से इस विमर्श का अंग बने और विमर्श में आकर में साथ में बैठ करके बिना किसी वक्ता के भी विचार करने की सामूहिक प्रक्रिया को चालना दे। निर्णय बाद में होते रहेंगे, समाज साथ में सोचना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से अच्छे निर्णय और सबके लिए लाभदायी निर्णय होने लगेंगे। इस आशा और इस विश्वास के साथ केंद्र ने इस वैचारिक आंदोलन को प्रारंभ किया है। इसलिए आपको एक छोटा सा कार्ड दिया गया है पता लिखने के लिए, आप लोगों से अनुरोध है कि उस पर अवश्य पता लिख करके वापस जाते समय साहित्य के स्टॉल पर या हमारे कार्यकर्ता को देकर के